हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ये छोटी वाले हेयर एक्सटेंशन को आप किस तरह से लगा सकते हो ताकि इसे खींचने से भी नहीं गिरे और कहीं से भी ये इधर उधर ना हो। और आपके अगर बहुत ही ज़्यादा पतले हेयर है और आप चाहते हो मेरा थोड़ा सा लेंथी हो जाए, कहीं आप पार्टी शादी में जाते हो और बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हेयर है, तो आप चाहते हो कि मेरा थोड़ा सा लॉन्ग भी बने और अच्छा भी दिखे और आपको किसी को पता भी नहीं चले कि हमने हेयर एक्सटेंशन लगाया है ये चोटी वाला, तो ये वाला आप लगा सकते हो और अपने हेयर को लॉन्ग और थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हो। तो इसको लगाना किस तरह से है ये आप मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप भी इसको लगाकर अपने हेयर को मोटा और लेंथी बना सकते हो। और इसके लगाने के बाद आप इससे हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे कितने हेयर पतले हैं, तो मैं इस तरह से हेयर एक्सटेंशन लगाती हूँ ताकि मेरे, और आप देख सकते हो मेरे हेयर के संग ही मैच हो रहे हैं और लग नहीं रहा है कि ये हेयर एक्सटेंशन है, और लगाने के बाद भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है पता है ना? आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मुझे नए देख रहे हो ना तो फटाफट सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियो है आप उसको सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक चोटी दिखा देती हूँ, तो इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से चोटी आएगा और इसमें तीन इस तरह से हेयर है और ये आप देख सकते हो लेंथ भी बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल हेयर जैसा ही है और बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये हमने एक्सटेंशन लगाया है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हो आप सामने कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हो जैसा भी आपको पसंद है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, आप चाहो इधर भी कर सकते हो, जो भी हेयर स्टाइल आपको पसंद है और वही हेयर स्टाइल करें। तो मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरह से कर लिया है, आप देखो आप कोई भी हेयर स्टाइल जैसा भी आपको पसंद हो आप इसी तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने इस तरह से हेयर को कर लिया है, और उसके बाद हम पीछे साइड जाएंगे और अपने हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे, ताकि जो कर्ली हेयर हो या कुछ भी हो तो उसको अच्छे से मेरा स्ट्रेट हो जाए। और आप चाहो तो हेयर को अच्छे से वॉश कर लें, और ये आप देख सकते हो अगर आपको ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है आपको अच्छे से देखना है, वहीं से आपको हेयर को इस तरह से पार्ट बनाना है, पार्टीशन बनाकर ऊपर इस तरह से कर लेंगे हम। और कोई भी क्लेचर हो, कुछ भी हो, आप उससे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से देखना है कि किस तरह से लगाना है, तो मैंने सिक्योर कर लिया है। और अच्छे से फिर से हमें कॉम करूँगी हेयर को, ये आप देखो। और यहाँ से हमें थोड़ा सा हेयर लेना है इस तरह से, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। और उसके बाद हम जो तीन हिस्से में डिवाइड करेंगे, और ट्विस्ट करते हुए जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही टाइट चोटी बनाना है आपको। इस तरह से चोटी बनाने के बाद ये आप देख सकते हो, इस तरह थोड़ा सा ही हमें बनाना है। और उसके बाद हमने जो हेयर एक्सटेंशन है उसको लेना है, और जो थ्री हेयर है उसी में जाकर हमें थोड़ा सा फंसा देना है। इस तरह से आप देखो, इस तरह से नीचे से ले जाकर ऊपर लेके आना है। तीनों दो हेयर को ले सकते हो या थ्री हेयर, आप जैसे भी ले सकते हो वैसे ले सकते हो। इस तरह से फंसा, ये आप देखो अच्छे से देखना है आपको, अच्छे से फंसाना है। और इसको जो हमने थ्री हेयर लिया था ना ट्विस्ट करने के लिए, वही को हमने फंसाया है, हेयर एक्सटेंशन को मैंने नहीं लिया है। और उसके बाद फिर से हम इसी को उसी तरह से गूंथ लेंगे। अकेला करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद हम फिर से इसको इस तरह से गूंथ लेंगे। और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखने चाहते हो हेयर एक्सटेंशन की, तो ज़रूर वीडियो में जाकर देखें, बहुत अच्छे अच्छे हेयर एक्सटेंशन मैंने लगाया है। तो ये देख सकते हो मैंने थोड़ा सा गूंथ लिया है इस तरह से, और ये देख सकते हो ये हेयर एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और अच्छे से ये यहाँ से फंस गया है, ये देख सकते हो आप। और अगर कोई खींचे तो भी ये नहीं गिरेगा। और सामने से फिर मैं इस तरह से ले जाकर ट्विस्ट करते हुए एक रबर बैंड इस तरह से लगा देंगे, अच्छे से सिक्योर करके रबर बैंड लगाना है, नहीं तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो उसके बाद ये आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल ये सेट हो चुका है, आप कितना भी खींचो कुछ भी करो कहीं से ये गिरेगा बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से फिर ऊपर का जो हेयर है मैं इस तरह से खोल देती हूँ, और थोड़ा सा कॉम आपको ज़रूर करना है, मैंने दिखाया नहीं। और उसके बाद आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो मैं अब इसको चोटी बनाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको चोटी बनाना है, और कोई भी हेयर स्टाइल भी आप रख सकते हो।
तो ये देख सकते हो तो कितनी आसानी से हमने चुट्टी बनाया, और मैं सामने से भी इस तरह से ले जाकर दिखाती हूँ और पूरे हेयर को चुट्टी बना लेंगे। अगर आपके इस तरह से छोटे छोटे हेयर निकल रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो ताकि आपका वो छोटे छोटे जो हेयर निकल रहे हैं वो बिल्कुल ना निकले और फिर वो बिल्कुल एक सा लगे। और थोड़ा सा मैं सामने से हेयर को निकाल लूँगी ताकि मेरा जो है थोड़ा स्टाइलिश और अच्छा दिखे। और ये हमारा परांदा तैयार है। ये आप देख सकते हो कहीं से भी ये दिख नहीं रहा है और कहीं से भी ये गिरने का डर नहीं है। आप जूड़े बना सकते हो, कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो और कहीं से भी गिरने का भी डर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।